गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 10:30। मैं अराउंड 9:30 को उठा, नहाया धोया, फ्रेश हो गया, नाश्ता भी कर लिया मैंने, ओट्स नाश्ते में मैंने ओट्स किया और अभी टाइम हो रहा है 10:30। सो देखते हैं आज संडे के क्या प्लान्स हैं। अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं है कहाँ जाना है क्या करना है, बाकी एक दो छोटे मोटे काम है वो निपटाने हैं मुझे। सो देखेंगे, निकलेंगे बाहर कुछ करेंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो धूप आ चुकी है पूरी, 10:30 बज रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है आज संडे में पूरा दिन, और थोड़ा आराम भी करेंगे बिकॉज पूरा वीक काम काम काम। सो आज संडे एक दिन मिलता है तो आज थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मूवीज सीरीज कुछ देखेंगे घर पे, थोड़ा आराम करेंगे। और आज देखते हैं डिनर में या लंच में कुछ स्पेशल बनाते हैं। आज जो बिरयानी बनाने का प्लान है चिकन बिरयानी, तो देखते हैं डिनर में या लंच में किसी एक टाइम बिरयानी बनाएंगे। तो चलो चलते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँ। सो गाइस, आफ्टरनून के 2 बज रहे हैं और खाना पीना हो चुका है। बाकी यहाँ पे शूज अभी मैंने धो के रख दिए, एक पैर यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। सो आज सोचा मैं सारे काम जो है वो बच्चे कुछ निपटा दूँ, तो शूज धो लिए, कपड़े धोने डाल दिए। और आप यहाँ से यहाँ पे पहले देख सकते हैं आज संडे, इसलिए कपड़ों की भरमार है, सब लोग कपड़े धो के यहाँ पे सुखा रहे हैं। बाकी मैंने तो अभी जस्ट कपड़े धोने रखे हैं वॉशिंग मशीन में और यहाँ पे शूज़ धो के रख दिया हूँ, तो वो कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद निकाल के यहाँ पे सुखा देंगे। और ये है आफ्टरनून का व्यू, यहाँ पे कड़ी धूप। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3, दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर सोचा बुक रीडिंग कर लेता हूँ, जब तक मदीना नहीं जा रहे, कुछ काम करने को नहीं था, तो सो ये बुक रीडिंग कर रहा हूँ। सो बुक रीडिंग करने के बाद निकलते हैं अलमदीना, वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करते हैं, उसके बाद रात के डिनर के लिए बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं। सो गाइस, बाहर जाने से पहले ऑरेंजेस खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा पेट पूजा होने के बाद निकलते हैं मदीना के लिए। सो गाइस, मैं अलमदीना आ चुका हूँ और आज की बिरयानी के लिए यहाँ पे फ्रेश चिकन ले रहे हैं। देखें, फ्रेश चिकन 15 दिरहम पर केजी, यानी इंडिया का अराउंड हो गया 350 लगभग, और हम लोग ले रहे हैं 1.5 किलो फ्रेश चिकन। तो चलते हैं, देखते हैं, पहले फ्रेश चिकन लेते हैं उसके बाद राइस लेते हैं, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चिकन कैसे रखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखें मटन पाया, फिर यहाँ पे मटन कीनिया नेपाली, फिर यहाँ पे बीफ भी है। इधर है बीफ किधर है, इधर है पाकिस्तानी बीफ पाया, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे गाइस। बट हमें ये नहीं खाना, कभी नहीं खाएंगे हम ये बीफ कैमल, हम सिर्फ चिकन और मटन। भाई फिश काउंटर के यहाँ लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए फिश है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रोजन फिश है और यहाँ पे ट्राई। तो गाइस, यहाँ पे देखिए मैरिनेटेड चिकन भी मिल रहा है, आपको बस ये लेके जाना है और फ्राई करना है, कुक करना है, डायरेक्ट मैरिनेटेड चिकन है। यहाँ पे कितने का ये, 8.41 दिरहम्स में 400 ग्राम्स ऑफ चिकन, सो ये थोड़ा कॉस्टली है। बाकी यहाँ पे चिकन मटन बीफ कैमल, वहाँ पे फिश, ये कुछ है मदीना का मीट सेक्शन। बहुत सारी वेराइटी है राइस की, मगर हम लोग ये वाला पहले से खाते आ रहे हैं तो यही ले रहे हैं, सोना मसूरी राइस 5 kg 21.95 दिरहम्स का ऐसा कुछ है राइस, ये देखो। सो ये ले रहे हैं हम 5 kg का। बाकी यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे सब राइस अवेलेबल है। सो राइस हो गया है, बाकी वहाँ पे चिकन दिया है हम लोग ने, फ्रेश चिकन है तो वो कट के पीसेस में मिलने में टाइम लगेगा, तो जब तक वो मिलेगा तब तक दूसरी शॉपिंग कर लेते हैं। सो गाइज, हमने ये वाला सनफ्लावर ऑयल लिया है शुरू का, जो कि पड़ा 16.95 दिरहम्स का। सो और मैं आपको हर एक का प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप जो भी मैं अमाउंट बोलूँगा ना एडी में उसको इनटू 22 कर लेना, सो आपको एग्जैक्ट इंडियन प्राइस मिल जाएगा। सो गाइज, अभी यहाँ पे गरम मसाले ले रहे हैं, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर दोनों 100 ग्राम पैक कर रहे हैं। धनिया पाउडर 7 दिरहम पर केजी है और ये जीरा पाउडर है अपना 15 दिरहम पर केजी। सो अभी वो पैक कर रहे हैं, मोल लेते हैं। गाइस, मदीना से शॉपिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और ये है इवनिंग का व्यू यहाँ पे दुबई का बुर्ज मान का।
और आप ये जो देख रहे हैं लाइन से बैंक है यहाँ पे, ADCB बैंक, हबीबी बैंक, यहाँ तक कि ये स्ट्रीट का नाम ही बैंक स्ट्रीट है क्योंकि यहाँ पे सब लाइन से बैंक है। सो गाइस, मैं मदीना से शॉपिंग करके आ चुका हूँ। बाकी जो जो सामान लिया मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने क्या क्या परचेस किया है, और अभी चलते हैं फटाफट चिकन वॉश करते हैं, उसके बाद बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक भाई है हमारे साथ, यहाँ पे रहते हैं मुंबई में दूसरे पार्टीशन में, तो वो बोले आज बिरयानी बनाते हैं, तो आज वो बिरयानी बना रहे हैं। चलते हैं फटाफट किचन में और उनकी हेल्प करते हैं और बिरयानी बनाते हैं। आज रात के डिनर के लिए बिरयानी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे 1.6 kg चिकन है, इसके अंदर राइस भीग रहा है और यहाँ पे टोमेटोज रेडी है कट करके, यहाँ पे आलू रेडी है, और ये हमारे मुंबई के भाई है जो बिरयानी बना रहे हैं, और उनकी मदद करने के लिए तेजस भाई हैं शेफ जो डेली खाना बनाते हैं हमारे लिए। तो चलते हैं आगे, जैसा जैसा अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। और ये बकचोदी करने के लिए स्पेशल आए हैं यहाँ पे सोनापुर से। बिरयानी के लिए यहाँ पे चिकन पक रहा है और यहाँ पे राइस रख दिया है, तो चिकन रेडी होने के बाद फिर राइस कुक हो जाएगा जो वो उसमें ऐड कर देंगे। सो गाइस, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, मतलब हाफ रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अंदर चिकन और ऊपर हाफ कुक राइस डाल दिए हम लोग। अब इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा के इसे पकने देंगे ताकि ये जो राइस हाफ कुक है वो फुल कुक हो जाए। और अभी ये भाई इस पे कुछ ऐड कर रहे हैं, ऊपर से तेल ऑयल है, यहाँ पे बरिस्ता है और धनिया डाल दिया है ऊपर से। सो अब इस पे सिल्वर फॉइल से पैक करके इस पे ये ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसे पकने के लिए। गाइस ये देखिए, सिल्वर फॉइल से हमने पूरा अच्छी तरह से पैक कर दिया है ताकि एयर बाहर ना निकले उसमें से, और उसके ऊपर थोड़ा वेट रखने के लिए हमने ये बर्तन में पानी ऐड करके रख दिया है ताकि अच्छे से अंदर पक जाए राइस और हमारा बिरयानी रेडी हो जाए। यहाँ पे रायते की तैयारी चल रही है, सब वेजिटेबल्स चॉप करके रख लिया है, बस इसमें दही ऐड करना है तो हमारा रायता भी रेडी हो जाएगा और वहाँ पे दम बिरयानी तो रेडी हो ही रही है। सो गाइस, दम बिरयानी रेडी हो चुकी है, अब देख सकते हैं कितना दम है इसमें। सो अब ओपन करते हैं। मस्त स्मेल आ रही है। सो गाइस, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, चलो चलते हैं खाते हैं और आपको टेस्ट बताता हूँ कैसा है। सो गाइस यार, हम सब यहाँ पे देखो लाइन से सब बिरयानी खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी बना है, ऑल थैंक्स टू सुफियान ब्रो एंड तेजस ब्रो। इन्होंने तो चॉपिंग में मदद की है, लेकिन बहुत ही एक नंबर बनाया सुफियान ब्रो ने यार खाना, एक नंबर। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है और टाइम हो रहा है 8:30, आज जल्दी खा लिए। तो अभी मैं नीचे आया था, मुझे वहाँ पे सामने ADCB जो बैंक देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने इवनिंग में दिखाया था आपको, ये ADCB बैंक है, यहाँ से मुझे ATM से पैसे विड्रॉ करने थे। सो अभी मैं नीचे आया था, पैसे विड्रॉ कर लिए, थोड़ी हवा ले रहा हूँ बिकॉज अभी दुबई में थोड़ी बहुत ठंडी बची है तो ठंडी हवा चल रही थी। बाकी ये जो भाई है हमारे, इनके अभी ये जाने वाले हैं सोनापुर अपने घर पे, सो अभी इनको छोड़ते हैं, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, सामने बस स्टैंड है वहाँ पे ड्रॉप करेंगे इनको, उसके बाद चलते हैं घर पे, देखते हैं हम भी सोते हैं बिकॉज कल से जॉब पे जाना है, और कल का शेड्यूल देखते हैं हम लोग क्या करना है, ऑफिस जाना है या मार्केट जाना है, वो कल मैं आपको सुबह बताऊंगा। तो चलो अभी चलते हैं पहले ऊपर, भाई का सामान वामान लेके नीचे। बस भाई को बस स्टॉप पे ड्रॉप करके मैं आ चुका हूँ रूम पे वापस, और अभी टाइम हो रहा है 9:00। सो चलते हैं, अभी थोड़ा सिर पे ऑयल मसाज करता हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट करके सोता हूँ बिकॉज कल से बैक टू वर्क मंडे है। सो होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो, सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।